हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं एक और प्रैंक का वार लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हूँ? बदले पे बदला। तुम मुझसे बदला लोगे तो भाई बदले में तुम्हें बदला ही मिलेगा, है ना? देखा था ना मेरे साथ क्या हुआ था। चलो, बदला तो लेना चाहिए और लूँगी। और देखिए मैं क्या बदला लूँगी। कहते हैं ना, दिल ना होता आवारा, है ना, समझ गए? तो दिल तो बच्चा है जी, कभी भी बचपने में आ सकता है। तो जब एक हाउसवाइफ बिगड़ जाए, हाउसवाइफ कुछ गलत करे, तो घर का क्या हाल होता है, क्या धमाल होता है, आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, प्रैंक ये है कि अभी जितन गए हैं सब्जी लेने, आज उनको दाल पालक खाने का मन किया तो वो पालक लेने चले गए। वो गए तो जीविका भी पीछे पीछे चली गई। अब सन्नाटे दिमाग में मेरे एक तरकीब आया कि भाई इस बार तो ऐसा बदला लूँगी ना कि बंदे की ना, हर बार बोलती हूँ बैंड, इस बार बैंड बाजा बारात सब निकल जाएगा। तो क्या करना है? तो सुनो, मैं बोलूँगी अचानक से कि मुझे कोई पसंद आ गया है वापस। अब आप समझ सकते हो कि उसके बाद क्या होगा। सारी बातें बताती नहीं हूँ, लाइक कर दो, बहुत मेहनत होता है। प्रैंक ऐसे आप लोग जो आराम से देख लेते हो ना, उसके पीछे बहुत मेहनत होता है, बहुत रिस्क। कभी मेरे मुंह टूट गए, कभी मैं गुस्से में जितिन को छोड़ के चली गई, बहुत रिस्क लेते हैं हम। और आप लोग लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। गलत बात, प्रैंक देखने के लिए बैठे रहो, कहीं हिलना मत, और देखो कैसा मजा आता है और कैसे आपके फेवरेट जितिन को मैं सबक सिखाती हूँ। अरे शीतल, तो सब्जियां वब्जियां रख दी सब? रख दिया। चलो बनाओ यार, खाना वाना, भूख लग रही है। ये देखो, तुमने सिरम मंगाया था वो भी ले आया हूँ मैं। वाओ, सही गर्मी है, ये याद था तुम्हें? हाँ, तुमने मैसेज डाल के छोड़ा मैंने। और बता। अरे याद से याद आया मुझे कुछ। ये मैं ये कह रही थी ना, मुझे तुमसे कुछ कहना था यार। बोलो। कैसे बोलूं, सोचना पड़ेगा। सोचना क्या? तेरे को सोचना पड़ रहा है मेरे से कुछ बोलने के लिए? नहीं नहीं यार, कुछ बात होती है इंसान। कुछ बकवास ही रहती है तो घर में कभी बोलते क्या बोलते? बात अलग है यार। कुछ बातें ऐसी होती है कि बोल नहीं सकता। अरे बोलना है यार। अरे यार बोलना। क्या, छोड़ो, तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो बोलना ही पड़ेगा। याद है तुम पहली बार जब मुझसे मिले थे? हाँ याद है। तो मैंने तुम्हारे बारे में किसको बताया था? किसको? पापा को। हाँ, तेरे पापा मेरे घर भी आए थे। आए थे? हैं कहाँ तेरे पापा आजकल? पापा अपनी जगह पे। अच्छा, तो अभी मम्मी जब से शादी हुई है, क्या जब से मिली हूँ, शादी तो दूर की बात, जब से मिली हूँ तब से मम्मी पापा की तरह केयर आप कर रहे हो मेरी। मम्मी पापा की तरह कोई केयर नहीं कर सकता। नहीं, आप करते हो, समझे? नो डाउट आप करते हो, लेकिन इसलिए मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। अच्छा, मुझे लगता है पापा हर्ट नहीं होते, लेकिन आप टाइम पर फालतू की बात कर रहे हो। आप हर्ट ना हो जाओ इसलिए मेरे को डर लग रहा है, बुरा लग रहा है मुझे, एक्चुअली इमोशनल फील हो रहा है मुझे। अरे ऐसा क्या कर दिया भाई, बोलो। और मेरे को ना एक लाइफ में एक चीज और है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैं मतलब जो भी कुछ करूँ ना, मैं बता के करूँ, मैं छुपा के नहीं, बचपन से ही ऐसी हूँ। याद है मैं शॉपिंग के लिए गई थी, अरे जो लास्ट ब्रांड बनाया था, टी शर्ट मैं लाई थी जो खरीद के, तो वहाँ पे मुझे भूख लग गई मॉल में, और मैं वहाँ फूड कोर्ट में बैठी थी, सामने एक बंदा बैठा था। मुझे तुम्हें देखकर हंसी आ रही है एक्चुअली। हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। तो ना, सॉरी, हंसने वाली बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी, अब बोल रही हूँ। तो ना वहाँ पे एक बंदा बैठा था, पता नहीं क्या, कभी कभी होता है ऐसा, होता है क्या तुम्हारे साथ, कभी ऐसा हुआ क्या? क्या जैसे किसी लड़की को देखो और मुझे भूल जाओ थोड़े देर के लिए? नहीं ऐसा तो नहीं, भूलता तो नहीं, तो मुझे याद रखे। हाँ, ये नजर है तो इंसान इधर उधर देखता है। नहीं देखता नहीं, मतलब इमोशंस या फिर ऐसा लग रहा हो, अरे यार शीतल
से बेटर ये है। ऐसा मैं कभी सोचता ही नहीं, बट मुझे ऐसा हुआ। क्या मुझे पता है, से बेटर मिल गया क्या कोई? बेटर मतलब उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार चिल चिल, अब हम तो रुके, बर्फ था। अरे बर्फ नहीं, मतलब चिल चिल कूल कूल क्या उसने वो स्कूल यार योयो टाइप था क्या? हां कूल जिसको कहते हैं, मतलब मस्ती घूमना फिरना है वैसा लग रहा था मुझे, बहुत अच्छा लगा। ना होता है ऐसा लगता है जब रिलेशन, जब एक हस्बैंड वाइफ का ज्यादा नहीं होता, मतलब लड़ाई 34 35 36 38 40 में नहीं, इतना तो नहीं हुआ है। लेकिन एज हम लोग जब इस एज में जाते हैं ना, तो फिर जो यंग लोग होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, होता है ऐसा, करते हैं मे भी ऐसा करते हैं, आपको भी करते हैं? मैं तो पहले ही बोला मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हूं ना। और ये मंगलसूत्र मेरे गले में है, ये भी देखो सरप्राइज की बात, ये मेरे मंगलसूत्र गले में है, उसने मुझे देखा। जब तुम उसको देख रही होगी तो, अरे मैं नहीं, पहले मैं नहीं देख रही थी, पहले मैं नहीं देख रही, मैं तो अपना खा रही थी, आया चाहे देखी ऐसे सरप्राइज ये कौन आ गया। लेकिन जब देखी ना तो मुझे लगा यार कि यार अभी भी मेरी इतनी एज नहीं हुई है कि मैं मतलब, और फिर उसमें क्या, कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। यस, तुम्हें देख के भी हो सकती हो, तुम भी हो सकती हो। यस, तुम्हारा भी ऐसे ही। फिर क्या हुआ? फिर उसने मेरे से नंबर मांगा। अच्छा, जिंदगी में मैंने किसी को नंबर दिया नहीं, लेकिन उसको पता नहीं क्यों दे दिया, पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने दे दिया। अच्छा, नंबर भी दे दिया। अब ये बात मैंने आज क्यों बताई बताओ? मेरा फालतू की गिरी मेरा करने की जरूरत तो है। अरे ये फालतू गिरी प्रैंक नहीं है, ये क्या, ये कहां लगाया कैमरा बताओ मुझे, ढूंढ लो कैमरा कहां लगा, कहां लगाया कैमरा। अरे प्रैंक नहीं है, मैं सच बोल रही हूं, लिसन, आप बोल पाऊंगी नहीं तो फिर मैं जा रही हूं। कैमरा कहां है, बकवास करने की जरूरत नहीं, मेरा तो फालतू। अरे ये प्रैंक नहीं है भाई, ये सच है, मैं बता रही हूं, ये सच है ना, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा अभी क्या। अरे ये प्रैंक नहीं है, पहली बात मैं देखो सच बोल रही हूं, प्रैंक नहीं। तो दो तीन दिन से तो बात हो रही है भाई, हो रही है मुझे आज तक बताया नहीं कि तुम सबको करते पर्टिकुलर बंदे का नाम से मुझे बता रही हो ना ये चीज। तो खास इसलिए क्योंकि मैं आज तक अपने भाई, अपने देवर, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी दीदी, इन्हीं लोग को किया है मैंने, कोई है ही नहीं फ्रेंड। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ्रेंड बनाना चाहिए। फ्रेंड क्या मतलब, फ्रेंड भी बन गया, समझ रहे हो ना, फ्रेंड तो आम होते हैं, मतलब फ्रेंड से ज्यादा है क्या? नहीं ज्यादा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। असल में मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो। अरे यार बकवास नहीं है, पहली बात तो ये प्लीज इस चीज को बकवास बोल के बेइज्जती मत करो। क्या है फिर भाई? ये सच है, ये सच है। तो काम करो ना, तुम निकलोगी। क्यों निकलू? क्यों तुम जा पा रहे हो उसके साथ? अरे भाई वो तो बाहर, उससे क्या मतलब है भाई, मैं तुम्हारी वाइफ, ऐसे कैसे निकाल सकते हो? ऐसे नहीं निकाल रहा, प्यार से करो, तुम यहाँ नहीं जम रहा। एक्सक्यूज मी, ऐसे नहीं होता, ये मेरा भी घर है। तुम्हारे घर में नहीं जम रहा ना? नहीं जम रहा है वो, घर में तुम रहो जम रहा है। अच्छा घर में मैं रहूं, बाहर वो रहेगा क्या? बाहर मतलब घूमने फिर भी टाइम पास, ओह चिल आउट करने के लिए। चिल, अब आज जमाना बहुत बदल गया भाई। नहीं नहीं जमाना तो बदल गया है, मतलब मैं, लेकिन मैं तुम्हें क्या लगता है जमाना इतना बदल गया है कि कोई आदमी को तुम उसकी औरत ये बोलेगी, उसकी वाइफ ये बोलेगी कि मेरे को एक लड़का पसंद आ गया, मैं उसका चिल आउट करना चाहती हूँ, और जमाना इतना बदल गया? व्हाट डू यू थिंक? हां व्हाट डू यू थिंक? उसकी बीवी के साथ मैं अगर फ्लर्ट करूंगा ना, तो वो तुम्हें छोड़ गया और बोलेगा कि अरे वो अपनी फैमिली हो जाएगा भाई, तुम समझ नहीं रही हो।
ये जो अभी नई नई चीज होती है ना, नई नई चीज बहुत अच्छी लगती है, नई जो मिठाई होती है ना एकदम फ्रेश फ्रेश मिठाई होती है, खाने बड़ा मजा आता है। जैसी वो बासी होने लगती है ना तो फिर बड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। मतलब मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है भाई, मैं लोगों से मिलता हूँ, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भी कुछ करना है करो यार बिंदास। मैं क्योंकि मैं तो भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम। यार वही खाना बना, वही यार क्या है अभी थोड़ा आउटिंग करने के लिए कुछ। खाना नहीं बनाना तो बनाओ भाई, फालतू की बातें मत करो भाई। यार लेकिन थोड़ा आउटिंग करने का एक मौका मिला है यार। आउटिंग तो मेरे से। और मैं एक बात बोलूं, तुमने जो बाल स्टाइल चेंज करवाया ना उसका ये तो फायदा हो। मतलब मेरे पैसे जो लगे बाल स्टाइल चेंज कराने में, दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगेगा ये बाल स्टाइल मैंने चेंज कराया। क्या हो गया, क्या हो गया भाई साहब? एक्चुअली मैं बता रही हूँ, कैमरा वहां लगा है। एंड एक चीज ये बोलू जो मुझसे नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी, मुझसे नहीं। कैमरा कहाँ लगाया भाई तुमने? वो देखो उधर। अबे तुमने बाहर कैमरा लगा रखा है? मुझसे नहीं हो सकता एक्चुअल में, ये मजाक भी मैं नहीं कर सकती। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, मैं मजाक भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अबे ये मजाक कर रही थी तुम, तो तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो यार? बहुत गंदा लग रहा था मुझे। अरे तुम पागल हो क्या? खुद प्रैंक कर रही हो मेरे ऊपर और तुम खुद ही रो रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी करता है। गंदी वाली फीलिंग, बहुत चीप सा लग रहा था ये एक्ट। मैं नहीं कर सकती ऐसा कोई भी घटिया प्रैंक रैंक। अबे अब अपनी ऑडियंस से बात तो करो कम से कम, प्रैंक को आधा अधूरा छोड़ दिया तुमने। नहीं यार। चलो गाइस, इसका प्रैंक तो ये बेचारी ने बहुत कोशिश करी, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था, लेकिन अब देखो जरा इसका तो मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या करेगी भाई। चलो टेक केयर, स्टे सेफ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, बाय कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल दो। एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी लाइफ में जो पार्टनर होता है ना, आपकी बहुत केयर करता है। आप कभी कभी अपनी फैमिली से लड़ता है, कभी बहुत फाइट करता है आपको खुश रखने के लिए। पता नहीं, मैं तो मजाक भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता होगा यार, सीरियसली अपने पार्टनर को चीट करते हैं या जो भी है। मैं अगर किसी तक मेरी मैसेज पहुंच रही है तो ऐसा मत करना लाइफ में, क्योंकि बहुत ही प्योर रिलेशन होता है ये। और मुझे तो बहुत गंदा फील हुआ, मैं ये एक्ट पता नहीं, ये सब मैंने सच बताऊँ मैंने कहीं देखा था ये प्रैंक, और इसलिए मेरे को ये आइडिया है कि मैं भी करूँ, बट मैं कर नहीं पाई और ये फेल हो गया। आप लोग को एंटरटेन नहीं कर पाई हूँ मुझे पता है, बट आई डोंट केयर कि आपको इस तरीके के प्रैंक से मैं एंटरटेन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई नहीं, इसे बेटर करेंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज इससे बहुत बेटर करेंगे। मेरे हस्बैंड से बेस्ट पूरे वर्ल्ड में कोई हो ही नहीं सकता। आपको नहीं पता कि हमने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है, आपको ये नहीं पता कि इस इंसान ने मेरे लिए हर सिचुएशन में कितना फाइट किया होगा। इसलिए नहीं कि बहुत हैंडसम है, लुक वो तो है, बट दिल बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत लोग ये कमेंट करते हो ना कि ये दिखने में, बहुत लोग ऐसे कि ये फ्लर्टी, आप जज नहीं कर सकते हो किसी को। जब आपका पार्टनर अच्छा होता है तभी आप अच्छे होते हो। इट्स ऑल गिव एंड टेक गाइस, लव यू ऑल। चलो बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जरूरत हो तभी बाहर निकलें और मास्क जरूर लगाएं। ओके बाय बाय।